भारतीय सेना के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत का सैन्य सम्मान के साथ शुक्रवार को दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इसके उपरांत जनरल बिपिन रावत एवं उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां लेकर उनकी बेटियां हरिद्वार के बीआईपी घाट पहुंची, जहां पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ विधिवत पूजा पाठ के बाद उनकी पुत्री कृतिका एवं तारिणी ने अपने माता पिता की अस्थियों को गंगा में प्रवाहित किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बीआईपी घाट छावनी में तब्दील हो गया था। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मेयर अनिता शर्मा एवं अन्य कई सैन्य अधिकारी मौजूद थे। एक तो इच्छा ही थी कि मैं उत्तराखंड में अपना रहूँगा रिटायरमेंट के बाद, और गांव में भी मैं घर बनाऊँगा। दूसरी बात उनकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि दो स्कूल उत्तराखंड में बनाऊँ, एक गढ़वाल मंडल में, एक कुमायूं मंडल में। ये उनकी बड़ी इच्छा थी। अभी तीन दिन पहले भी जो उनको मिलने वाले थे, उन्होंने तब भी ये इच्छा प्रकट करी थी कि देखो यार, मैं एक साल बाद सेवानिवृत्त होऊँगा तो मैं एजुकेशन के लिए काम करूंगा। ये बड़ी इच्छा थी उनकी। अब उनकी इच्छाएं हैं, हम तो ये चाहेंगे कि परमात्मा उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करे, कोई और उसको पूरा करेगा। अब उनकी क्या कल्पना थी उसके पीछे, खाली विद्यालय की कल्पना तो उन्हें, विद्यालय में कोई कमी नहीं है, लेकिन उनके उसके पीछे क्या सोच थी वो देखना होगा।